किसी भी उसमें अपन ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस स्टार्ट किया था अपना है तो इसमें अपन ने जाना था कि जो सेंटेंस होते हैं उसके मोस्टली फोर टाइप्स होते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इंटरोगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें अपन ने जो टू टाइप्स थे असर्टिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस जिनके बारे में अपन ने एग्जांपल्स की मदद देते हुए इनको अच्छे से समझ लिया था। आज का अपना जो थर्ड टाइप है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में उन सभी स्टेटमेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा जिसमें हम किसी पर्सन से क्वेश्चन आस्क करते हैं, ठीक है? ऐसे स्टेटमेंट्स जो क्वेश्चन आस्क करते हैं, when a question asked by a statement, then it is called a interrogative sentence, ठीक है? कि जब किसी भी स्टेटमेंट के द्वारा किसी भी पर्सन से कोई क्वेश्चन आस्क किया जाएगा तो उस प्रकार के स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। जैसे अपन समझना चाहे तो एक हिंदी में एक दो एग्जांपल लेके देते हैं कि क्या मैं बाजार जा रहा हूं, क्या मैं खाना खाता हूं, क्या मैं रोज खेलने जाता हूं, क्या वह झूठ बोलता है, क्या अध्यापक कक्षा में रोज पढ़ाते हैं। ये सब जो सेंटेंस है जिसमें हम क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं जिसका आंसर यस या नो हो सकता है कि हाँ वो ऐसा करते हैं या वो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हमने जो स्टेटमेंट काम में लिए स्टार्ट में वो सारे स्टेटमेंट क्या थे, किसी पर्सन से किसी काम के बारे में क्वेश्चन आस्क करने के लिए हमने उसका उपयोग किया था। ऐसे स्टेटमेंट जिनका यूज क्वेश्चन आस्क करने के लिए किया जाता है वो सारे स्टेटमेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब ध्यान रखना ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये टू टाइप से हो सकते हैं। टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है जो अपन सामने रखते हैं, देखो डू दैट इज एंड आर एज हैव वॉच वर डिड हैड will, shall, can, could, ये सभी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका यूज करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है? ये हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा स्टार्टिंग में रखी जाती है। और दूसरी इसकी मेन जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है कि हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। जब तक किसी स्टेटमेंट के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जाता है तब तक उस स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाता है, ठीक है? हमें ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क आप जानते हो प्रकार से होता है, तो ये क्वेश्चन मार्क यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है तो हम मानेंगे कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अदरवाइज हम उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं मानेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होकर बनने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इससे हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगी, डज। He play
और लास्ट में। तो इस प्रकार से डज स्टार्टिंग बनता है। देखो बच्चों यहाँ पर प्लेज से डज कैसे निकला, ये आपका टॉपिक है। जब आप टेस्ट पढ़ोगे तो आप ये डू डज और डिड, डू डज और डिड इनका अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अभी अपन जो सेंटेंस के टाइप पढ़ रहे हैं इसलिए इसको ज्यादा टाइम अपन इसमें स्पेंड नहीं कर पाएंगे, इसको ज्यादा और अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे। इसको जो टेंस वाला पार्ट होगा उसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा कि डू कब आता है, डज कब आता है और डिड कब आता है। सेकेंड एग्जाम्पल बोलने के लिए मतलब है ए लोएन वॉच स्लीपिंग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये तो हेल्पिंग वर्ब में इसको स्टार्टिंग में लेके आते हैं, वॉच एलोएन स्लीपिंग, और ये लास्ट में ऐसे ही। आई एम गोइंग टू, ये अफर्मेटिव है, इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो एम आई गोइंग टू, लास्ट में। यानी कि ऐसे स्टेटमेंट जिनके स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब इज मार वाज वर हैज हैड डू डज डिड विल सेल कैन वुड, इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब की स्टार्टिंग में आती है और लास्ट में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप की बात करते हैं अपन कि ये तो फर्स्ट टाइप हुआ कि जब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। सेकेंड टाइप आता है स्टार्ट विथ डब्ल्यू एच कि यदि कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट डब्ल्यू एच वर्ड से होता है और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। डब्ल्यू एच वर्ड कौन से होते हैं, व्हाट हू व्हिच वेयर व्हेन व्हाई व्हिच हाउ हाउ मेनी हाउ ओल्ड, ठीक है ना। इस प्रकार से जो अपने टेक्स्ट बुक में भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं चैप्टर क्लास में, जो व्हाट हु वेयर व्हेन व्हाई व्हिच हाउ हाउ मेनी हाउ ओल्ड, इस प्रकार से डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो ये सब डब्ल्यू एच वर्ड कहलाते हैं। तो यदि ऐसा स्टेटमेंट जो इंटरोगेटिव है डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुआ है लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। जैसे What is your और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, Where do you लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो अपने इसमें ये जाना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं जिसमें किसी से कोई क्वेश्चन आस्क किया जाता है। सेकंड, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है तब तक कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं किया जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड से ऐसे सेंटेंस भी स्टार्ट होते हैं जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होता, यहाँ क्या होता है एक्सक्लेमेशन साइन होता है। तो ध्यान रखना यदि डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में है लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन है क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो इंटरोगेटिव में होगा। इंटरोगेटिव में तो क्वेश्चन मार्क लगा होना कंपलसरी है, यदि लगा है तो इंटरोगेटिव है, नहीं लगा क्वेश्चन मार्क तो इंटरोगेटिव नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने जाना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप से बनाए जाते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड की सहायता से। दोनों ही कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं तो सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यदि डब्ल्यू एच वर्ड से बनाते हैं तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया जाता है और दोनों में लास्ट में क्या होता है क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ टाइप से, जो सेंटेंस का फोर्थ टाइप है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
एलिमेंट्री एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सडन फीलिंग्स को शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सपोज करो मेरे को सपना आया कि मेरे को बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, और फिर एकदम से अगले दिन ऐसा समय आया तो मेरे सामने बहुत सारे पैसे थे वो रखे हुए मिल गए मेरे को, तो वो मेरे लिए क्या हुआ? सरप्राइज हुआ यार, ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो कल सपना देखा था, रात को हकीकत में उतर गया। तुम्हें क्या कहूँगा? वाह है ना, क्या कहूँगा? वाह कितना पैसा है। तो वहां पर मैंने क्या वर्ड यूज किया? वाह। ऐसे मान लो मैं क्रिकेट खेल रहा था, दो टीमें थी, हमारे वाली टीम थी वो हारने वाली थी, हमें बिल्कुल भी मतलब ये विश्वास नहीं था, बिलीव नहीं था कि हम ये मैच विन कर जाएंगे, और लास्ट में एक प्लेयर था हमारे टीम का, उसने कुछ चौके छक्के मारे और हम मैच जीत गए, और जैसे मैच जीते हमारे उसी के निकला वाओ वी वॉन द मैच। तो वो क्या हुआ? सरप्राइज हुआ एकदम से। अपनी जो हैप्पीनेस को या सैडनेस को या वंडर्स को शो करने के लिए, मन में से जो फीलिंग को शो करने के लिए जो वर्ड्स निकलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, जो अपने एक्साइटेड को शो करते हैं, एकदम से अचानक आई हुई फीलिंग्स को शो करते हैं। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स यूज करके जो सेंटेंसेस बनते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिनमें वाओ, अलास, हुरे, ठीक है, आज के स्टार्टिंग में भी क्या होता है? What या how WH word का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से जो वर्ड है हाउ, अलास, रे, व्हाट, हाउ, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस में किसी को अपन ब्लेसिंग करते हैं या कर्स देते हैं, जैसे मान लो किसी को अपन आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी को कोई श्राप दे रहे हैं, तो उसके लिए भी जो सेंटेंसेस काम में जाएंगे वो भी एक्सक्लेमेटरी में ही शामिल किए जाएंगे। एग्जांपल लेके देखते हैं अपन, जैसे वाओ वी वन द मैच, व्हाट इज ब्यूटीफुल मैं और ब्लेस यू, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है ना। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें कुछ जगहों पर तो मिडिल में एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं, कुछ सेंटेंसेस में लास्ट में इस एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट टाइप हो जाता है, यदि किसी भी सेंटेंस के मिडिल में या लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया जाता है, चाहे वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में शामिल किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये फोर टाइप्स थे अपने सेंटेंस के, फर्स्ट असर्टिव था, सेकंड इंपेरेटिव था जिसमें अपन ने रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड वगैरह, एडवाइस वगैरह वो उसमें इंक्लूड किए थे। थर्ड आया अपना इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन आस्क किया जाता है, जो टू टाइप्स होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट भी होता है और डब्ल्यू एच वर्ड से भी स्टार्ट होता है। उसकी विशेषता ये होती है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है, तो वो एक अलग डिफरेंट हो गया कि जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाया है वो क्या है? इंटरोगेटिव है। और फोर्थ का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेमेशन साइन है, जो सडन फीलिंग्स को शो करने के लिए जो भी सेंटेंसेस हैं जिनमें एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया गया है वो एक्सक्लेमेटरी। तो दो तो ये डिफरेंट हो गए, एक्सक्लेमेशन साइन है तो एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव है, और फिर फुल स्टॉप वाली बात है तो फुल स्टॉप में कहते हैं असर्टिव और इंपेरेटिव। तो असर्टिव में तो नॉर्मल सेंटेंस शामिल किए थे, और इंपेरेटिव में कौन से किए थे? जो स्टार्ट प्लीज से होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होते हैं, डू से होते हैं, डू नॉट से होते हैं, और जिनके लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है वो किस में आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो ये अपने जो सेकंड चैप्टर है टाइप्स ऑफ सेंटेंस वो कंप्लीट हो जाता है आज, और इन
फोर टाइम्स की एक्सरसाइज है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आइडेंटिफाई अपने आप करने की कोशिश करोगे, उतना अच्छे से ये चारों टाइप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।